मित्रों, मैं राजीव मिश्रा और आप देख रहे हैं स्वैच्छिक दुनिया न्यूज चैनल। आइए बात करते हैं इस वक्त की कुछ बड़ी खबरें। विश्वविद्यालय द्वारा एएनडी कॉलेज हर्ष नगर कानपुर में बृहस्पति महिला कॉलेज का प्रयोगात्मक परीक्षा एजुकेशन बीए सेकंड ईयर तथा एमए फर्स्ट ईयर का सेंटर बनाया गया और यह सूचना शनिवार की शाम को मिली, जिसके कारण रविवार को बच्चों को फोन करके बुलाया गया और प्रयोगात्मक परीक्षाओं के लिए तैयार किया गया। सोमवार को हम सभी लोग परीक्षा संपन्न कराने हेतु एएनडी कॉलेज कानपुर पहुंच गए। बीए सेकंड ईयर का वाइवा संपन्न हो गया, परंतु एमए प्रीवियस की एक्सटर्नल एग्जामिनर श्री नेहा जी बीमार हो गई, जिसके कारण उनका कॉलेज में आ पाना मुश्किल था। प्रयोगात्मक परीक्षा की समस्याओं के लिए विश्वविद्यालय ने कानपुर नगर क्षेत्र में डॉक्टर ओंकार अग्रहरी को चुना था, जिनको फोन किया गया तो उनका जवाब था कि कानपुर खत्म हो गया है और अब कुछ भी नहीं हो सकता। दरअसल मुझे अपने खास लोगों से पता चला और मुझे यह मालूम पड़ा कि CDC और डॉक्टर ओंकार गृहरी द्वारा एक पूरा प्लान तैयार किया गया था, जिसके तहत उन्होंने सभी जिलों में एडेड कॉलेज में सारे सेंटर उठा करके डाल दिए थे और फिर जो व्यक्ति उनके पास जाता था, क्योंकि वह फोन बंद कर देते थे या फोन पर किसी प्रकार का कोई जवाब नहीं देते थे। VC साहब ने पूरी यूनिवर्सिटी को तो डिजिटल कर दिया है, लेकिन वह सिस्टम जहां से पैसा उगाही हो सकती है उसमें ऑनलाइन कुछ नहीं होता, और प्रबंधक आकर के जब उनसे मिलते हैं तो एक सब्जेक्ट का 5,000 रुपए चेंज करने का पड़ता है। इस प्रकार से CDC ऑफिस में इस बार प्रयोगात्मक परीक्षा को लेकर के बहुत उगाही हो रही और एक कमाई का बहुत बड़ा साधन है, जबकि CDC केवल कॉलेज डेवलपमेंट के लिए होता है और कंट्रोलर हर प्रकार की परीक्षा के लिए। लेकिन कानपुर विश्वविद्यालय में पूरा प्रशासन श्रीमान VC साहब की छत्रछाया में अपनी मर्जी चला रहे हैं, जिसके चलते प्रयोगात्मक परीक्षा में इस बार जो खेल हुआ है वह सब आपके सामने है। ऐसी आपाधापी मची है, एक दिन पहले सूचना दी जाती है, कॉलेज परेशान बच्चों को इकट्ठा करने में लग जाता है, एडेड कॉलेज में सेंटर जा रहा है, बच्चों को फोन करके बुलाया जाता है, लास्ट टाइम तक बच्चे आते हैं, जल्दबाजी में रिकॉर्ड भूल जाते हैं। जिस प्रकार का खेल कानपुर विश्वविद्यालय में चल रहा है वह कतई बर्दाश्त के काबिल नहीं है, और इसके खिलाड़ी CDC और डॉक्टर ओंकार अग्रहरी को इसका जवाब देना पड़ेगा। पूरा कान कल एएनडी कॉलेज में जो हुआ वह काफी शर्मनाक था कि हम विश्वविद्यालय के अंग हैं, विश्वविद्यालय का कार्य हर हालत में परीक्षा संपन्न कराना है, वह विश्वविद्यालय मोबाइल स्विच ऑफ करके बैठ जाता है। केवल इस लालच में अगर व्यक्ति यहां तक आएगा तो जब मानसिक रूप से परेशान होगा तो हमको कुछ ना कुछ पैसे देकर जाएगा। हमने तो मीडिया का सहारा लिया और दैनिक जागरण के श्री गुप्ता जी आए, जिन्होंने VC से बात करके वहां पर BA का एग्जाम ले रही डॉक्टर अर्चना सक्सेना को EMA का एक्सटर्नल बना दिया और परीक्षा संपन्न हुई। बच्चों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा, सभी अपने घर पहुंच गए थे, उनको फिर से किराया खर्च करके आना पड़ा। ऐसी स्थिति में हमारे 3 स्टूडेंट अपनी फाइल भूल गए और इस पूरे प्रकरण में बच्चों को मानसिक प्रताड़ना का शिकार होना पड़ा। अब ऐसे में जो भी स्थितियां उत्पन्न हुई है उनका पूर्ण जिम्मेदार विश्वविद्यालय है। अखबार उठाकर देखा तो दैनिक जागरण जैसे न्यूज़पेपर में कहीं पर भी ऐसी कोई न्यूज नहीं थी, जबकि इस प्रकार का कार्यक्रम यूनिवर्सिटी से लगे सभी जिलों में चल रहा है। विश्वास था कि दैनिक जागरण न्यूज को छापेगा, जिससे उन लोगों को सबक मिलेगा जो अपना काम ईमानदारी से नहीं कर रहे हैं, लेकिन अफसोस कि हमारे VC के निर्देश पर मीडिया काम कर रहा है। अब पूरे प्रकरण से आप सब यह पूरी समझ ही गए होंगे किस प्रकार का सिंडिकेट विश्वविद्यालय के अंदर कार्य कर रहा है, कि जिसने मीडिया को कैप्चर कर रखा है, सच्चाई सामने नहीं आ पा रही है। फ्लाइंग स्क्वायर में घर के ही लोग लगाए जा रहे हैं, मैंने कभी नहीं देखा कोई भी पदाधिकारी अपने पद के अधीनस्थ होकर के काम करे। यहाँ पर CDC स्वयं अपने प्रैक्टिकल लगाते हैं, अपने बहू के प्रैक्टिकल लगाते हैं। कानपुर से स्वैच्छिक दुनिया की ब्यूरो रिपोर्ट। बताइए क्या समस्या है आप लोगों की, क्यों यहाँ पे आए हैं? हम लोग पेपर देने
प्रैक्टिकल देने हुए बृहस्पति कॉलेज से आए हुए हम लोग सुबह से धूप में खड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ के क्या कहते हैं जो एग्जामिनर है वो बीमार पड़ गए हैं। एग्जामिनर बीमार होने के कारण ना हम लोगों को बैठने की जगह मिल रही है, ना पानी आने की व्यवस्था है, कुछ भी नहीं है। और हमें अभी तक ये भी नहीं बताया जा रहा है कि आज हम लोगों का एग्जाम होगा या नहीं होगा। हम लोगों ने जब फ़ोन किया ओमकार डॉक्टर ओमकार अग्रहरि जी को, तो उन्होंने बताया कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं, जबकि कानपुर की जिम्मेदारी उन्हीं को दी गई है और आज शायद कानपुर का लास्ट प्रैक्टिकल है, ठीक है। इसके बाद भी एग्जामिनर उपलब्ध होने के बाद भी विश्वविद्यालय से कोई आदेश प्राप्त ना होने के कारण हम लोगों की प्रयोगात्मक परीक्षा नहीं हो पा रही है। इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा कृपया निश्चित किया जाए। यही कह रहे हैं आपका प्रैक्टिकल हो या ना हो हम कोई जिम्मेदार नहीं है। और कह रहे हैं कि अगर वो अभी नहीं की फिर भी नहीं बता रहे क्या करना है, क्या करना है, और कह रहे हैं कि हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, कानपुर की कोई जिम्मेदारी नहीं। आपने किसको कॉल करा था? डॉक्टर ओमकार अग्रहरि को। मैंने भी क्या उठाया, एक तो फोन उठता नहीं है, फोन उठता भी है अगर तो ढंग से बात नहीं की जाती, बदतमीजी से बोलते हैं कि हम इसके लिए जिम्मेदार नहीं है, आपको जो करते बने करें। बीमार हो गए तो हम क्या करें, फोन उठा भी नहीं लेना। अग्रहरि जी का यही गंदा रवैया है CDC के साथ में मिल करके। मैंने भी कई बार बात की है, मैंने कहा कि सेंटर उधरी का बना दीजिए, उन्होंने जानबूझ A&D कॉलेज को सेंटर बनाया, दोबारा वही एग्जामिनर्स लगाए। इस बार प्रयोगात्मक परीक्षा में इतनी छीछा लेदर कानपुर विश्वविद्यालय में मची हुई है, इतना नंगा नाच चल रहा है जो भविष्य में कभी नहीं हुआ, बिल्कुल गुंडागर्दी चल रही है। आप कुछ भी करिए, मैं प्रैक्टिकल अपने मन से डालूंगा, नहीं होता तो मैं क्या करूं, इस तरीके के जवाब मिलते हैं। अग्रहरि जी पहले तो फोन नहीं उठाते, अगर फोन उठाते तो हार्ट अटैक करते फोन के ऊपर। उनका ये गंदा रवैया बहुत बुरा है, और इससे मैं कहूँगा कि CDC अगर पद नहीं संभाल सकते तो अपने पद को छोड़ दें, और ये एग्जामिनेशन खत्म होने के बाद मैं उनका कड़ा विरोध करूंगा विश्वविद्यालय के अंदर। विश्वविद्यालय को सुधार दीजिए, तिरंगे के नीचे मैं आपकी गुंडागर्दी नहीं चलने दूंगा। जो विश्वविद्यालय में सिंडिकेट बना हुआ है मैं उसका प्रबल विरोध करता हूं अपने सारे सेल्फ फाइनेंस शिक्षकों के साथ में। और सुन लें CDC और अग्रहरि, अगर ये गुंडागर्दी जो वो दिखा रहे हैं वो विश्वविद्यालय के बाहर भी निकलेंगे, समझ लेना, अपना गुंडागर्दी खत्म करो। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.